कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन में हमको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसमें हमने चेक करना है कि इनमें से हमारा कौन सा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें देखो, जो भी ऑप्शन ए में हमको दे रखा है, माइनस में दे रखा है, तो किसी भी इवेंट की हमारी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। और सेकेंड यहाँ पे देखो, बी ऑप्शन में हमको दे रखा है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी वो वन से ग्रेटर दे रखी है। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी हमारी वन से ग्रेटर नहीं होती है। बी ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और ऐसे ही डी में भी यहाँ पे हमारा वन से ग्रेटर दे रखा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है ना दोस्त, ये हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको गिवन है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सपर डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ फेस कार्ड। तो थोड़ा सा कार्ड के बारे में यहाँ पे मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, थोड़ा मैं आपको बेसिक हल्का सा शॉर्ट में बताने वाला हूँ। देखो, जो हमारा एक डैक होता है ना, 52 कार्ड्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम डैक बोलते हैं। और डैक में हमारे रहते हैं 52 कार्ड्स। तो ये हमारे डिवाइड होते हैं, 26 हमारे रेड रहते हैं, है ना। रेड कार्ड कितने होते हैं हमारे? 26। और 26 होते हैं हमारे ब्लैक कार्ड। तो आई होप आपको ये पता होगा। इसमें जो हमारे 26 होते हैं, ये भी फर्दर 13 13 में हमारे डिवाइड रहते हैं। 13 हमारे होते हैं डायमंड, और 13 होते हैं हमारे हर्ट। और इसमें भी 13 13 में डिवाइड रहते हैं। 13 हमारे होते हैं स्पेड्स, और 13 हमारे रहते हैं क्लब्स। तो आई होप आपको कार्ड के बारे में थोड़ा पता होगा। तो इसमें जो हमारे फेस कार्ड के बारे में अगर हम बात करें, देखो फेस कार्ड में हमारे कौन कौन से आएंगे, तो इसमें जो हमारे कार्ड पे जो पिक्चर बनी रहती है ना, वो हमारे होते हैं फेस कार्ड। इसमें चार किंग होते हैं केजी लिख दिया यहाँ पे मैंने, चार किंग होंगे और फोर हमारे क्यून होंगे, और फोर होंगे यहाँ पे जैक। तो ये हमारे जो 12 रहते हैं, ये फेस कार्ड रहते हैं बेसिकली। और फोर यहाँ पे होते हैं इक्का, ये वाले जो हमारे 12 हैं ये फेस कार्ड होंगे। और चार हमारे होते हैं इक्का, और या इसको हम बोलते हैं एस, है ना। तो ये हमारे रहते हैं। तो जो टोटल हमारे ये 12 आ रहे हैं, 12 और ये चार 16 मिल रहे हैं ना, ये हमारे होंगे कोर्ट कार्ड। तो कोर्ट कार्ड हमारे कितने होते हैं? कोर्ट कार्ड हमारे होते हैं 16। तो जो फेस कार्ड रहते हैं ना, वो रहते हैं हमारे 12। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी पूछा ना, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है उसने, तो फेस कार्ड हमारे कितने होंगे? 12। और टोटल यहाँ पे हमारे जो कार्ड है ना, वो 52 है। तो जो इवेंट की हमारी प्रोबेबिलिटी होगी ना, वो हो जाएगी यहाँ से 12/52। तो 4 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से जा रहा है 3 जा 52 होगा, ये 53 मैंने कर दिया इसको। और 4 से ये हमारा जा रहा है 13 जा, तो 3/13 यहाँ पे हमारा मिल रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ना दोस्त, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त, यहाँ पे हमको गिवन है, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 7 ब्लैक बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम विल बी नाइदर रेड नॉर ब्लैक। तो इसमें हम सैंपल स्पेस की बात कर लेते हैं। देखो, जो हमारी टोटल बॉल्स होंगी ना, वही हमारा सैंपल स्पेस होगा। तो इसमें 3 रेड बॉल है, तो 3 हो गई हमारी रेड बॉल, और 5 है ना वाइट बॉल है, वाइट बॉल होगी हमारी यहाँ पे 5, और 7 है हमारी ब्लैक बॉल ये। तो टोटल यहाँ पे हमारी 15 आ रही है, जो हमारा सैंपल स्पेस बन रहा है उसमें जो हमारी बॉल्स हैं वो 15 हो गई। और इसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो ना तो रेड हो ना ब्लैक हो। देखो, रेड और ब्लैक है ना, टोटल 10 हो रही है, तो ना तो रेड हो और ना ही ब्लैक हो, तो इसका मतलब वाइट होगी। तो जो प्रोबेबिलिटी हमारी आएगी ना, इसमें वाइट बॉल हमारी यहाँ पे 5 है, ये हो जाएगा 5/15, और यहाँ से ना कट पिट करोगे, ये मिलेगा आपको 1/3। तो 1/3 यहाँ पे मिल रहा है, जो ऑप्शन बी है ना, ये हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप दोस्त, आपको क्वेश्चन धीरे धीरे पकड़ में आ रहे होंगे। तो यार, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमको गिवन है, इफ़ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ऐसी इवेंट जो कभी नहीं हो रही है, उसकी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हमने फाइंड करनी है। तो सपोज करो फ्रेंड्स, आप पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक हो, तो आपकी जो एग्जाम में फेल होने की प्रोबेबिलिटी है वो रहेगी आपकी 0। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ना दोस्त, ये हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
तो आई होप दोस्त आपको क्वेश्चन पकड़ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में।